use suitable identities to find the product of x plus 8 into x minus 10. आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में देखूंगी कि जो मेरी ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म है वो सेम है एंड जो सेकंड टर्म है वो डिफर है. इसके लिए मेरी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी. इसमें देखिए ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकंड टर्म क्या है डिफर है. सो ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी. अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने पर मैंने क्या देखा, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 एंड बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 10. क्योंकि देखिए यहाँ पर बी के आगे क्या है प्लस का साइन आइडेंटिटी में. सो जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई माइनस 10. अब इस ए एंड बी की वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में पुट करूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन. फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट देन क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स. तो ये क्या आ गया 8 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10. अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस प्लस माइनस माइनस. सो 8 माइनस 10 क्या आ जाएगा माइनस 2 एक्स. देन अगेन प्लस माइनस माइनस 8 टेंस 80. तो ये मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 80.